All right, comedy circus के grand finale में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. So please welcome Shakur and Pranav Gupta. Please give a hand. Hey, what's up? मत पूछ यार. My girlfriend recently dumped me on Facebook. On Facebook? हाँ ना. No customary phone calls. No hangups. कुछ नहीं. डायरेक्टली मेरे वॉल पे पोस्ट कर दिया. Those three magical words. It's over, idiot. हाँ ना. मुझे सबसे बुरा लगा उस पोस्ट को 244 लाइक्स भी मिले और आधे से ज्यादा जन मेरी फ्रेंड लिस्ट में से थे. अब तो पूरी दुनिया को पता है who dumped who. I know ना. She should understand ना यार. मैं अपने फ्रेंड्स को क्या झूठ बोलूंगा. It was me, Udam Pooja. She was such a pain. Dude, it's Facebook. अब तो मेरी काम वाली भाई को भी पता है. Udam Poo. Public portal पर भी कौन किसे dump करता है? Max again says, you तो मैं भी सोच रहा था उसे dump कर लूँ, but my neck wasn't working. होता है, होता है. कभी कभी हम फेसबुक पे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं. जैसे उस दिन मैंने सिर्फ एक स्टेटस मैसेज डाला था, हैविंग अ नाइट आउट विद फ्रेंड्स. अगले दिन जब घर आया तो पता चला घर में चोरी हुई है और लग रहे चोर भी फेसबुक पर निकला. उसने अपने रॉबरी के पिक्स फेसबुक पे अपलोड किए थे. फुल ऑन लव मास्टर का अभिषेक बच्चन था. एंड गेस व्हाट, उन पिक्स में उसने मुझे भी टैग किया था. Hold on. That's not the shocking part. The shocking part is that वो चोर और मेरे भी चार mutual friends थे. यार कुछ भी बोल, लेकिन Facebook लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है. चाहे status पर कुछ भी डाले, people will like it. हाँ, मेरी एक दोस्त थी, पुणे में काम करती थी. उसकी mom दिल्ली में रहती थी. एक दिन उसने उसका स्टेटस अपडेट किया, मिसिंग माय मॉम. सारे लड़कों ने उस पे कमेंट किया, ओ चोची, मॉम्स आर द बेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट. मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूं. तो अगले दिन मैंने मेरा स्टेटस अपडेट किया, मिसिंग माय मॉम. आई वाज वेटिंग. I waited a little more. आखिर में एक घंटे बाद जाकर मुझे एक कमेंट मिला, ग्रो अप किडो. और वो भी मेरे डैड से. बेटा कैसी दिन के लिए बड़ा किया था, क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें? क्या जिंदगी में फेसबुक ही सब कुछ है? और अगर गलती से हमने कुछ कह भी दिया बीच में तो शट अप बोल के चुप करवा देते हैं. बेटा क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया था हमने तुम्हें? कम ऑन स्पीक अप. पापा वो शट अप. क्या जरूरत थी प्रिंसिपल के डॉटर को छेड़ने की? अपने मोहल्ले में लड़कियां नहीं क्या? पापा, आपने अपने मोहल्ले में लड़कियों को देखा है? चुप. इस तरह से हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पापा चाहते क्या है. अगर जवाब दो तो शट अप और अगर जवाब नहीं दो तो स्पीक अप. इससे अच्छा है हम चुप रहे एंड जस्ट लेट द मोमेंट पास. और जब हम ये स्ट्रेटजी अपना रहे होते हैं ना तो मम्मी बीच में उंगली कर देती है, बेटा पापा कुछ कह रहे हैं जवाब दो. और पापा तो डांटने में इतने खो जाते हैं कि कैरेक्टर्स का नाम भी भूल जाते हैं. कौन है वो पहले वो जो परिसर पे आता है रोज उसके साथ घूमते रहता है, क्या है उसका नाम? पापा राजेश. शट अप. खाली राजेश के साथ घूमता रहता है,
ये देखी तुमने अपनी बेटी की रिपोर्ट कार्ड, देखी तुमने रोई नहीं, डिक्टेशन में भी माइनस वन नंबर है, डिक्टेशन की भी स्पेलिंग रॉन्ग लिखती है, सर्टिफिकेट के नाम पे सिर्फ बहुत सर्टिफिकेट है इसके पास, एंड दैट टू बिकॉज वी वर गुड एट इट। सक्सेस स्टोरी सुनाने में बहुत मजा आता है, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, सब सुनाते रहते हैं। और जब भी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, तो थोड़ी बहुत फेंक भी देते हैं, उनको तो पता है अपना ही बेटा है, क्या तो ऑब्जेक्ट करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट करेगा भी तो शट अप बोल के चुप कर देंगे। बेटा जब पापा गांव से निकले थे ना, तो सीने में जुनून और 10 रुपए लेकर निकले थे। यार सच्ची हाँ, ये सबके बाप 10-20 रुपए लेके निकलते, जबकि पता नहीं 10 रुपए में तो वाला पाव भी ले आते, तो भी निकल लिए। बेटा बहुत स्ट्रगल किया है पापा ने, उस वक्त घर में पीने तक का पानी नहीं था, बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, इसके बावजूद पापा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, सीधा पाव पकड़ कर गिड़गिड़ाते थे। और जब पापा ये सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, तो दादाजी बैठे हैं, उनके ईगो को कितना हर्ट होता होगा, उन्हें लगता होगा मुझे कितना लूजर पोर्ट्रे कर रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं, इसने ही सारे झंडे गाड़े हैं, इतनी लंबी लंबी फेंकता है अपने बच्चे के सामने, सिर्फ 10 रुपए लेकर निकला, मुझसे जो 10 लाख का चेक लेकर गया वो थोड़ी ना बताएगा 5 रुपए का। And the story continues. बेटा जब पापा शहर में आए थे ना, तो पापा को इंग्लिश में ABCD में नहीं आता था, लेकिन पापा ने एक फाइटिंग स्पिरिट रखा, एक किक-ऐस एटीट्यूड रखा, और आज देखो Early to double bed, early to wake up fast, make some male man hatta katta, eat lots and lots of akrot, tighten your langot and fight with bare hands, no knives, no forks. और चलो इंग्लिश भी गलत बोल रहे रहते हैं, इंग्लिश सीख भी ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हिंदी जैसी तो होती है, लड़की को इंग्लिश में बोलते हैं चिक और हिंदी में बोलते हैं राजे। थैंक यू।